you are all fine. Welcome back to HSA Gallery and welcome back to another video. Welcome. जैसे कि मैंने पहले कहा था, संडे तक जितनी भी वीडियोस आएंगी वो फादर्स डे से रिलेटेड होंगी, तो ये भी वीडियो हमारी फादर्स डे से रिलेटेड है। आप लोगों ने अभी तक टाइटल तो पढ़ ही लिया है, तभी तो आप लोग टाइटल देखकर वीडियो देखने आए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो देखने से पहले आप लोग भी जल्दी से कुछ खाने पीने वाली चीज लेके बैठ जाए और आराम से तसल्ली से एंजॉय करके वीडियो देखें। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये मैंने एक व्हाइट पेपर शीट ले ली है और जिन रिक्वायरमेंट्स की मुझे जरूरत थी वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। ये मैंने डैड से रिलेटेड बनाया था इसलिए उनसे रिलेटेड चीजें लिखी है। अगर आप ये किसी दोस्त वगैरह को देना चाहते हैं या किसी बहन भाई को देना चाहते हैं तो आप उनसे रिलेटेड चीजें लिख सकते हैं। लेकिन इस कार्ड पर लगाने के लिए जिन एलिमेंट्स की मुझे जरूरत है सबसे पहले मैं वो बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ नेक टाई। तो मैंने ले लिया है 8x8 सेंटीमीटर का रेड कलर में स्क्वायर शीट पेपर। या तो कोई ऐसी शीट लें जिसकी दोनों साइड सेम हो, या ऐसी लें जिसकी एक साइड कलर्ड हो दूसरी व्हाइट में हो। जो कलर्ड साइड होगी वो आपने नीचे रखनी है और व्हाइट साइड आपने ऊपर रखनी है। तो पेपर को कर देना है हाफ फोल्ड जिस तरह मैं कर रही हूँ, बिल्कुल उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेना है ग्रीटिंग कार्ड पर लगाने के लिए। हमें एक छोटा सा पेपर चाहिए, इतना भरा नहीं चाहिए। और अच्छे से फोल्ड करने के बाद उसे वापस अनफोल्ड कर देंगे, उसे खोल देंगे। खोलने के बाद हम स्क्वायर शीट ऑफ पेपर की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, उसको रोम्बस शेप में ले जाएंगे जिस तरह मैंने लिया हुआ है, और फिर उसकी दोनों साइड्स को पकड़कर सेंटर पर ले आएंगे और फिर सेंटर में लाकर उनको फोल्ड कर देंगे जिस तरह मैं ये कर रही हूँ। और ट्रायंगल शेप आने के बाद हम पेपर को टर्न ओवर करेंगे, उल्टाएंगे पेपर को और फिर पेपर के टॉप कॉर्नर को पकड़ कर नीचे ले आएंगे, नीचे लाकर उसको फोल्ड कर देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद एक ट्रायंगल शेप बन गई है। अब उसी ट्रायंगल को हम ऊपर की तरफ हाफ फोल्ड कर देंगे और अच्छे से प्रेस करने के बाद पेपर को टर्न ओवर कर देंगे, यानी पेपर को हम दोबारा उल्टा देंगे। पेपर को टर्न करने के बाद एक छोटी सी ट्रायंगल जो सबसे ऊपर टॉप पर प्रोमिनेंट हो रही है अब उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। जो पेपर के टॉप टू कॉर्नर्स होंगे उन दोनों कॉर्नर्स को पकड़कर हम सेंटर पर ले आएंगे, सेंट्रल लाइन से उसको मैच कर देंगे, मिला देंगे। अच्छे से आराम से फोल्ड करने के बाद हमारे पास आ जाएगी एक ट्रायंगल शेप। ये हमने एक फोल्डिंग की थी, इसी ही तरह हमने दोबारा उसी के ऊपर फोल्डिंग करनी है। दोनों कॉर्नर्स को पकड़कर सेंटर में ले आना है और एक बारीक सी लंबी सी पतली सी ट्रायंगल बन जाएगी। और ये ट्रायंगल बनने के बाद हम फिर से इसको टर्न ओवर करेंगे और टर्न ओवर करने के बाद एक प्यारी सी अच्छी सी हमारी टाई रेडी हो गई। नाउ अब टर्न है शर्ट बनाने की, और शर्ट बनाने के लिए हमें एक पेपर और एक ग्लू की जरूरत है। शर्ट बनाने के लिए कोई भी पेपर ले सकते हैं। मैंने एक फैंसी सा पेपर शीट ले लिया है और उसे हाफ फोल्ड कर दिया है। पेपर आपने रेक्टेंगल शेप में लेना है। इसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ 8 सेंटीमीटर है। फोल्ड करने के बाद मैंने पेपर को ओपन कर लिया है, खोल दिया है और पेपर को मैंने वर्टिकल शेप में रखा है, और आपने भी पेपर को वर्टिकल शेप में रखना है। पेपर को खोलने के बाद मैंने पेपर की दोनों साइड्स को मिड में आकर फोल्ड कर दिया है, मिडल लाइन से दोनों को मिला दिया है। अभी मैंने एक फोल्ड किया है और अच्छे से प्रेस करूंगी, और इसको अच्छे से फोल्ड और प्रेस करने के बाद मैं दूसरी साइड को पकड़ूंगी और उसे भी अच्छे से फोल्ड और प्रेस कर दूंगी, जिससे पेपर में 4 क्वार्टर्स बन जाएंगे। लेकिन मैं इसे ओपन आउट नहीं करूंगी, इसे सिर्फ क्लोज ही रहने दूंगी। जिन साइड्स को मिड पर लाकर फोल्ड किया था उन्हीं साइड्स को टॉप से पकड़कर साइड पर लेकर जाकर फोल्ड कर देंगे, और दोनों साइड्स पर हम ऐसे ही करेंगे और एक वी शेप बन जाएगी। अच्छे से फोल्ड और प्रेस करना है ताकि एक प्रॉपर वी शेप बन जाए। हे क्यूटीज, कैसा लगा आप लोगों को शर्ट का कॉलर? और फिर हम पेज को टर्न कर देंगे और नीचे से 1 सेंटीमीटर का पेज पकड़ कर फोल्ड कर देंगे। ज्यादा फोल्ड नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा पेज पकड़ कर फोल्ड करना है। अप्रोक्सीमेटली 1/2 इंच पकड़ कर ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। और यहाँ मैंने पेपर की डायरेक्शन चेंज की है, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद फिर से पेज को टर्न ओवर कर देना है। पेज को उल्टाने के बाद अब ऊपर वाले टॉप 2 कॉर्नर्स को पकड़ कर फिर मिड पर ले आना है। मिड पर लाने के बाद उनको अच्छे से फोल्ड कर देना है। यूं हमारा बन जाएगा शर्ट का कॉलर। यूं हमारे पास बन जाएगा शर्ट का कॉलर। अब हम पेज को नीचे से पकड़ेंगे, बॉटम से टॉप पर जाकर फोल्ड कर देंगे, और अच्छे से फोल्ड करने के बाद पेज को कॉलर्स के नीचे तक लेकर जाना है और फिर अच्छे से प्रेस कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। लो जी, हमारी शर्ट होगी तैयार। तो अब मैं जल्दी से टाई को पकड़कर शर्ट पर अटैच कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ ग्लू।
मैं ग्लू के जरिए टाई को शर्ट पर अटैच कर दूंगी और टाई को कॉलर्स के नीचे अटैच करना है, उसके अंदर टक कर देना है या फिर आप ग्लू की हेल्प से उसे अटैच कर दे। सिंपल। नाउ अब हमारी शर्ट हो गई है कंप्लीट तैयार। और अब जल्दी से मैं वो कार्ड लूंगी और उसके ऊपर स्क्रैच बनाऊंगी। अब स्क्रैच कार्ड बनाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर अभी तक आपको वो दोनों एलिमेंट्स पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, शर्ट को मैंने अटैच कर दिया कार्ड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ ग्लू। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक स्क्रैच कार्ड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसको बनाना बहुत ही सिंपल और इजी है और बहुत कम सप्लाईज की जरूरत है। हमें इसको बनाने के लिए एक व्हाइट चार्ट चाहिए, ब्लैक मार्कर ले ले, कोई भी मार्कर ले ले लिखने के लिए, और एक ट्रांसपेरेंट टेप चाहिए हमें, और इसके साथ ही साथ हमें पेंट्स चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ट्रांसपेरेंट टेप को यूज करूंगी, अपने मैसेजेस को उससे कवर करूंगी, जैसे मैंने लिखा था स्ट्रेंथ, करेज एंड सुपर हीरो, इन तीनों को मैं टेप से कवर करूंगी बहुत इजीली अच्छे से। ये आप पर डिपेंड करते हैं कि आप मैसेज को किस तरह कवर करना चाहते हैं, रेक्टेंगल शेप में कवर करना चाहते हैं, स्क्वायर शेप में कवर करना चाहते हैं। मैं इसको स्ट्रिप के फॉर्म में कवर कर रही हूँ। कोई कोड लिखकर उसके ऊपर भी टेप लगा सकते हैं, या फिर कोई छोटा सा प्यारा सा कार्ड बनाकर उसके ऊपर कोई छोटा सा मैसेज लिखकर उसको भी टेप से कवर कर सकते हैं। और कवर करने के बाद एक्सेस टेप को मैं रिमूव कर दूंगी, कट कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ सीजर। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई पेंट। मैं पेंट अप्लाई करूंगी। पेंट में मैं तीन शेड्स दूंगी, रेड, येलो एंड ब्लू। टिप्स को मैंने साथ साथ मेंशन किया हुआ है और सॉल्यूशन बनाना कंपलसरी नहीं है। सॉल्यूशन एक्रेलिक पेंट और डिश वॉशिंग को मिक्स करके बनाया जाता है। और साथ व्हाइट एक्रेलिक पेंट यूज करूंगी और तीनों कलर्स को व्हाइट कलर के साथ मिक्स कर दूंगी। मैं सिर्फ एक्रेलिक पेंट को डायरेक्टली यूज कर रही हूँ और सम अमाउंट ऑफ वाटर को यूज करूंगी। हल्के से पानी के साथ मैं अप्लाई करूंगी और पानी भी मैं वहां अप्लाई करूंगी जहां मुझे ड्राइनेस फील होगी। पेंट को अप्लाई करने से पहले ब्रश को अच्छा खासा पेंट से लोड कर लेना है। अच्छी खासी क्वांटिटी में पेंट लेना है ब्रश में और फिर उसे अप्लाई करना है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने स्ट्रोक्स की फॉर्म में पेंट अप्लाई किया है, लेकिन स्ट्रोक की फॉर्म में लाइंस प्रोमिनेंट हो रही है। अगर हम डैब 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 करके पेंट अप्लाई करें तो वो बहुत अच्छे से पेंट अप्लाई हो जाएगा और हमारा मैसेज बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। पेंट को 3 से 4 मरतबा अप्लाई करना है। एक लेयर अप्लाई करने के बाद वेट करना है उसके ड्राई होने का, और अच्छे से ड्राई होने के बाद एक दूसरी लेयर अप्लाई करनी है, तीसरी लेयर अप्लाई करनी है, चौथी लेयर अप्लाई करनी है। और अप्लाई करने के बाद आपने वेट करना है ड्राई होने का और फिर स्क्रैच करना है। हमारा पेंट अच्छे से ड्राई हो चुका है। नाउ इट्स रेडी टू स्क्रैच। अब हम स्क्रैच करेंगे और स्क्रैच करने के लिए आप कोई भी कॉइन ले ले। मैंने ये एक स्टिक ली है और स्टिक की हेल्प से मैं इसे इजीली स्क्रैच करूंगी। अब मैं अपने मैसेज को स्क्रैच करूंगी और सीक्रेट को रिवील करूंगी कि मैंने इसमें क्या लिखा था। मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज मेंशन किया हुआ है, काइंडली इन दोनों पेजेस को फॉलो करें। आई होप सो आपने इस प्रोजेक्ट को एंजॉय किया होगा जब आप रिक्रिएट करेंगे, और रिक्रिएट करने के बाद मेरे साथ जरूर शेयर करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कार्ड मेरा अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और बहुत से आर्टिस्ट दोस्तों के साथ। जरूरी नहीं है कि इसको सिर्फ फादर्स डे पे बनाया जाए, इसको किसी भी बर्थडे पर या किसी को मैसेज कन्वे करने के लिए किसी भी ओकेजन पर इसको बहुत इजीली बनाया जा सकता है और स्क्रैच करने में बहुत ही मजा आता है। और स्क्रैच करने के बाद सिंपल एक्रेलिक पेंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक HSA गैलरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन फौरन आप तक आ सके। और इसी तरह मेरी प्यारी प्यारी वीडियोस को देखते रहें, अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।